क्या लग रहा है? यह है मार्गरेटा पिज्जा, पनीर टिक्का मसाला में डिप्ड, ऊपर से रख रखा है पास्ता। इसको बना देते हैं टाको। पनीर टिक्का मसाला भी डाल दिया मैंने इसमें। मेरी जी भीले जा मेरी हाँ, भीले जा मेरा गम, भीले जा मेरा घर, भीले जा मेरे ख्वाब, भीले जा मेरे। भाई आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम और बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद कि भाई अपनी वीडियो क्वालिटी अपग्रेड कर दो, फाइनली हम 4K में रिकॉर्ड कर रहे हैं। और ये बात बताते हैं, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि क्या बताऊँ। अब आप लोग ना अपने सेटिंग के टाइम में जा सकते हो, वहाँ आपको क्वालिटी का ऑप्शन मिलेगा, उसके अंदर आपको एडवांस का ऑप्शन मिलेगा जहाँ से आप क्वालिटी सेलेक्ट कर सकते हो। अभी तक 1080p तक आप सेलेक्ट कर सकते थे मेरे वीडियोज़ के लिए, बट अब उसमें एक 2160 कुछ करके भी ऑप्शन आ रहा होगा, 2160 करके एक ऑप्शन आ रहा होगा। आप उसको सेलेक्ट करोगे तो फिर आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे भाई 4K रेजोल्यूशन में। आई नो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा छोटी सी चीज़ होगी कि यार क्वालिटी अपग्रेड हुई है, बट मेरे लिए यार ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी चीज़ है, एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट है अपने इस चैनल को लेके। बट एनीवे आते हैं आज की वीडियो में भाई। डोमिनोज ने वैलेंटाइन वीक में शायद से अपना वो लव लोडेड सीरीज लॉन्च किया था, बट मैंने उसकी ना तो कोई मार्केटिंग देखी, ना मैंने उस पर कोई वीडियो देखा, ना कोई ऐड देखा, पता नहीं था। बट आज रैंडमली मैंने जब खोला तो मेरे को दिखा कि भाई डोमिनोज ने हार्ट शेप पिज़्ज़ा निकाल रखे हैं। सबसे पहले है मेरे पास डोमिनोज का फार्म हाउस लव लोडेड पिज़्ज़ा जो कि इनका हार्ट शेप में आता है। इसके बाद है मेरे पास इनका चिकन ओवरलोड पिज़्ज़ा, और ये आते हैं थिन क्रस्ट चीज़ बर्स्ट में। सो लेट्स जस्ट सी कि टेस्ट में कैसा होने वाला है ये। इसके बाद है अपने पास पेपर बारबेक्यू लव लोडेड पिज़्ज़ा, मतलब जो इनका लव लोडेड नाम है वो हार्ट शेप पिज़्ज़ा के लिए। और लास्ट पिज़्ज़ा है मेरे पास इनका मार्गरीटा लव लोडेड पिज़्ज़ा। यार ये देखने में बेहतरीन लग रहा है। माय फेवरेट चिकन पेपरोनी स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड बर्गर पिज़्ज़ा वेज प्रीमियम, इनका चोको लावा केक जो कि हार्ट शेप में आता है, बट देहरादून के आउटलेट ने बोला कि यहाँ नहीं होता वो हार्ट शेप वाला, तो हम नॉर्मली भेज देते हैं। मैंने कहा कूल। और दून 999 से मैंने मंगा रखा है पनीर टिक्का मसाला। पिज्ज़ा अपने डिप करके खाएंगे इसमें भाई। वाइट सॉस पास्ता अगेन, इसको भी ज़रा पिज़्ज़ा के साथ खाएंगे भाई, बेहतरीन मज़ा आने वाला है। और ये चार आइटम्स पता नहीं क्या है भाई, दून 999 से आए हैं, उन्होंने अपने आप ही भेज दिए। थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस फूड एंड फॉर एवरीथिंग एल्स। परंपरा मार्गरेटा ना मैंने साइड में रखा हुआ है। क्रस्ट इसका देख लो, थिन क्रस्ट चीज बर्स्ट बोला है इन्होंने। अगर ऐसे ही खाने लायक हो रहा होगा तो ऐसे ही खा लेंगे, अदरवाइज गर्म करके लाएंगे। इसमें पता नहीं क्या हो गया, जो परांठे वाली रेंज आई थी डोमिनोज की, इन्होंने उनको वैसे ही बना रखा है डबल लेयर करके। हर स्लाइस हम थोड़ी अलग तरह से खाएंगे भाई। इस वाली स्लाइस के ऊपर मैंने रख दिया है वाइट सॉस पास्ता, ब्रोकली, साथ में बेल पेपर। इसको थोड़ा सा हम साइड में कर दें ताकि आवाज़ आपको साफ आए। लेट्स सी भाई कैसा होता है। अभी तक ना यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा था, बहुत देर बाद कंस्ट्रक्शन रुका, तो अब भाई साहब रुक ही नहीं रहे हैं। गारंटी से बोल रहा हूँ, ट्राई करके देखना। मार्गरेटा पिज्जा के साथ व्हाइट सॉस पास्ता, आपका रुकने का मन नहीं करेगा भाई, बेहतरीन। वाह, दो स्टाइल तो हो चुके हैं, अब तीसरे स्टाइल से भी से खा के देख लेते हैं। ये किया भाई डिप अपना पनीर टिक्का मसाले में, एक छोटा सा पीस पनीर का भी लिया। लेट्स सी हाउ इट इज।
एक चीज मन में है, बताना चाहूंगा। 2021 में मैंने डोमिनोज का डबल चीज मार्गरिटा लिया था, उसे बटर चिकन ग्रेवी में डिप किया था, बोनलेस, इतना ज्यादा बेहतरीन था ना वो। और उस वीडियो में मैंने बोला था कि मेरी बहुत तहो दिल से गुजारिश है जितने भी रेस्टोरेंट्स वगैरह देख रहे हैं कि यार ऐसा कुछ लाओ, बटर चिकन पिज्ज़ा। और वो वीडियो इतने लोगों तक पहुंचा था, वो दिन मेरे लिए बहुत बेहतरीन था क्योंकि मेरे पास 2-3 ब्रांड्स के ईमेल आए थे कि हम एक ऐसी चीज़ अपने मेन्यू में ला रहे हैं, और वो लोग लाए भाई अपने मेन्यू में बटर चिकन पिज्ज़ा। उसके बाद ये कॉम्बिनेशन जहाँ तक कि मेरा ख्याल है मैंने बहुत लोगों को करते हुए देखा। फिर उसके बाद मैंने सेम चीज़ मोमो के साथ ट्राई करी, मोमो को मैंने बटर चिकन में डिप करके खाया, भाई बेहतरीन कॉम्बिनेशन था। एक वैसा ही कॉम्बिनेशन भाई ये है, आज से पहले मैंने ट्राई नहीं किया था, पनीर टिक्का मसाला। बस शर्त है कि टेस्टी होना चाहिए पनीर टिक्का मसाला, तभी स्वाद आएगा। ऐसा पनीर टिक्का मसाला में डिप करो, ओए होए होए भाई साहब क्या लग रहा है। इसमें रखते हैं एक ये चिप्स का पीस, ये वाला भी ट्राई करके देख लेते हैं भाई क्या लग रहा है। यह है मार्गरेटा पिज्ज़ा, पनीर टिक्का मसाला में डिप्ड, ऊपर से रख रखा है पास्ता, एक पीस अपना चिप्स। लेट्स गो इन फॉर अ बिग बाइट। भाई साहब, भाई आप ना रुक नहीं पाओगे, जैसे कुत्ता नहीं रुक रहा है भौंकते भौंकते। मैंने ना अभी बैटरी वगैरह सब चेंज करी और ये कुत्ता बिल्कुल नहीं भौंका। नाउ आई एम अज्यूमिंग जैसे ही मैं बाइट लूंगा ना ये दोबारा भौंकेगा। कुरकुरे पनीर, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख रहे हो लेयर, ये ऐसी दूसरी लेयर बना रखी है इन्होंने चीज़ की। पता सीन क्या है इनका, ये वाला जो थिन क्रस्ट चीज़ बस्ट, ये एक अलग ही बेस है जो मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ अभी इन लव लोडेड पिज़्ज़ास में ही आ रहा है। बट एनीवे, चिकन ओवरलोड पिज्ज़ा पास्ता के साथ ट्राई करते हैं, इसको बना देते हैं टाको और लेते हैं बढ़िया सा बाइट। ओए होए होए, बढ़िया सा आइडिया है। पहले मैं आपको ज़रा ये दिखा देता हूँ, शक्ल देखो बेहतरीन लग रहा है। ये रहा भाई गार्लिक ब्रेड का एक पीस, इसको करते हैं हम चीज़ी डिप में डिप और इसको रख देते हैं हम इसके ऊपर। नाउ लेट्स जस्ट सी कि डोमिनोज का पिज़्ज़ा डोमिनोज की गार्लिक ब्रेड और चीज़ी डिप के साथ एक साथ अगर खाया जाए तो कैसा लगता है। अंदर आपको दिख रहा होगा वो बाइट, नाइस बट नॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड। इनके मार्गरिटा के साथ मैंने जितने भी कॉम्बिनेशन ट्राई किए ना, ओवरऑल मैं उसको रेट करूंगा 9 out of 10 भाई, वो आपको पसंद आएगा ही आएगा नो मैटर व्हाट। ऑन दी अदर हैंड, ये नॉनवेज ओवरलोड पिज्जा की बात की जाए, इसके साथ पास्ता बहुत बेहतरीन लग रहा है। अरे यार पास्ता में ना बस यही दिक्कत है, मतलब गिरता बहुत है। पास्ता के साथ बढ़िया हो रहा है,
डोमिनोज के कोई बताता नहीं है क्या कस्टमर के फीडबैक, मतलब उस गार्लिक ब्रेड में नमक बहुत ज़्यादा है यार। देखो जहाँ तक कि मेरा ख्याल है बहुत कम लोग होंगे जो नॉन वेज पिज़्ज़ा मंगाएंगे और उसके साथ पनीर टिक्का मसाला मंगाएंगे डिप करने के लिए, बट हाँ जो इंसान वेजिटेरियन है जो मार्गरीटा खाता है वो डेफिनेटली पनीर टिक्का मसाला मंगा सकता है। मैं बहुत ही ज़्यादा कोर से अपने ये बात बोल रहा हूँ कि ट्राई करके देखो, मार्गरीटा डबल मार्गरीटा कोई सा भी पिज़्ज़ा कहीं से भी मंगाओ, साथ में मंगाओ आप पनीर टिक्का मसाला और वाइट सॉस पास्ता, वाइट सॉस के साथ खाओ एक बाइट, एक बाइट उसके साथ खाओ भाई, ट्रस्ट मी आप मेरे को थैंक यू बोलोगे, गारंटी से बोल सकता हूँ आप थैंक यू बोलोगे। गजब तो नॉनवेज ओवरलोड वाला था मेरे लिए भाई, आई बिलीव ओवरऑल बोलूँगा तो 6 out of 10। पिज़्ज़ा ऑन इट्स ओन वाज गुड, मतलब डिसेंट, बट इन सारे कॉम्बिनेशन के साथ दिखते खा जाओ वाली बात नहीं आई मुझे उसमें। ये ट्राई करके देखते हैं भाई, बारबेक्यू पेपर बारबेक्यू, ये आप एक लेयर देख सकते हो, बहुत लोग अपना घर में पराठा भी ऐसे बनाते हैं, लेट्स सी भाई क्या लग रहा है ऐसे में, कैसा है ये। इनका थिन क्रस्ट भी बहुत ही मोटा है भाई, मतलब पता नहीं क्या ही सोच के इन्होंने थिन क्रस्ट रखा इसका नाम। पनीर टिक्का मसाला भी डाल दिया मैंने इसमें, एट आउट ऑफ टेन। इस पास्ता ने और इस पनीर ने भाई नेक्स्ट लेवल स्वाद दिला दिया, नेक्स्ट लेवल। पास्ता के साथ बस एक दिक्कत है, गिरता हुआ है। इस गैप की वजह से बातें भूल जा रहा हूँ जो मैं करना चाह रहा हूँ वीडियो में, नहीं होने के भाई, चुप नहीं होने के, झेल लो प्लीज। सिम्बा बन चुका मेरा तगड़ा ट्रैवल बड़ी, उसका काम होता है सोना। बिल्लियाँ खाती हैं, खेलती हैं, हल्की होती हैं और सोती हैं, मतलब जैसे इंसानों का बचपन होता है ना जब टॉडलर होते हैं, सेम रूटीन बिल्लियों का होता है। जंगली बिल्ली हो तो उसमें हंटिंग एक ऐड हो जाता है, पालतू है तो वो हंटिंग वाला ऑप्शन भी कम हो जाता है। बोला जाता है कि जितना 2 साल की उम्र के बच्चे का दिमाग रहता है ना उतना ही दिमाग बिल्ली का होता है, मतलब जैसे कुत्ते ह्यूमंस को समझ पाते हैं ना, बिल्लियां उतने ढंग से नहीं समझ पाती हैं, तो इसलिए उनको रखना पड़ता है बच्चे के हिसाब से, जैसे 2 साल का बच्चा हो। तो काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस मुझे हो रहा है अभी। घर वालों का भी बढ़िया टाइम पास होता है। इन चारों पिज्जा में से मुझे मार्गरीटा बेस्ट लगा यार। भाई बहुत हैवी हो चुका है,
लास्ट ही है, नॉट वर्थ इट. इसमें खाली वेजीज वेजीज बची हैं, थोड़ा सा खाली कर दो. जम चुका है इनका लावा. बेसिक से भी नीचे है. इनकी क्वालिटी घटती जा रही है. I just hope आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कीप स्माइलिंग एंड आई विल कैच यू गाइस ऑन टू द नेक्स्ट वन. पांच गिनूंगा मैं, एक और ये चुप हो जाएगा. एक, दो, तीन, चार, पांच. देख रहे हो मेरे शूट में ना बहुत अड़चनें आती हैं, इसीलिए मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि पांच गिनते ही ये चुप हो जाएगा. देख लो अभी तक नहीं भोगा.